हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बनाएंगे आलू और सूजी से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नाश्ता। आप इसे चाय के साथ या फिर आप इसे सॉस या चटनी के साथ भी इसे खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इस नाश्ता को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने दो कच्चे आलू को छील कर कद्दूकस कर लिया है और इसे मैंने पानी से अच्छी तरह से धोकर और इसे पानी में डालकर इसे मैंने छोड़ दिया है। इस तरीके से पानी में डाल देने से ये काला नहीं पड़ेगा। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब हम एक कढ़ाई को गर्म कर लेंगे और इसमें हम डाल देंगे 1 से 2 चम्मच तेल और तेल को हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे और तेल में हम डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, 2 से 3 चम्मच हम इसमें सफ़ेद तिल डाल देंगे। और अब हम इसमें 4 हरी मिर्च डाल देंगे बारीक कटी हुई, 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देंगे, तो चिली फ्लेक्स की जगह पर आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। इसे हम थोड़ा भून लेंगे कुछ सेकेंड के लिए। और अब हम इसमें डाल देंगे 2 कप पानी। आधा चम्मच नमक डाल देंगे, बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल देंगे, तो धनिया हम थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। मिला लेंगे इसे, हम फ्लेम को हम हाई रखेंगे और इसको हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। पानी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ये छिला हुआ कद्दूकस किया हुआ आलू डाल देंगे, मिला लेंगे इसे हम। और अब हम इसमें 1 कप सूजी डाल देंगे। फ्लेम को हम जितना हो सके उतना हम लो रखेंगे और इसे हम लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से गाढ़ा होने देंगे। डो के फॉर्म में आने तक हम इसे पकाएंगे। ये देखिए, ये डो के फॉर्म में आ चुका है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हम ढक कर 5 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे। अब 5 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने एक थाली लिया है जिसके पीछे वाले भाग पे हम थोड़ा सा तेल लगाकर इसे हम चिकना कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर ये सूजी और आलू का जो हमने डो तैयार किया है उसे हम इसके ऊपर डाल देंगे। और इसे हम अच्छी तरह से फैला लेंगे। तो मैंने इसे अच्छी तरह से फैला लिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे ताकि ये सेट हो जाए। अब ये ठंडा हो चुका है, ये अच्छी तरह से सेट हो चुका है, तो अब हम इसे कट कर लेंगे। तो मैंने इसे ट्रायंगल शेप में काटा है, आप जिस भी शेप में काटना चाहते हो इसे आप काट सकते हैं। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो आप चाहें तो इसी तरीके से आप इसे एयर टाइट डब्बे में भर के 1 हफ्ते के लिए फ्रिज में रख सकते हैं और जब भी आपका मन करे आप इसे फ्राई करके खा सकते हैं। तो इसे फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने पहले से ही तेल गर्म होने के लिए डाल दिया है। तेल अब अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें ये बनाया हुआ पीस एक एक करके डाल देंगे। फ्लेम को हम हाई रखेंगे। एक तरफ से थोड़ा हम इसे सिकने देंगे, थोड़ी देर के बाद हम इसे पलट देंगे। और गोल्डन होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे।
लो या फिर मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई ना करें, नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा ऑयली हो जाएगा और खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब ये फ्राई हो चुका है, ये देखिए ये गोल्डन हो चुका है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। और इसी तरीके से हम बाकी के बचे हुए पीसेस को भी फ्राई करके निकाल लेंगे। अब गर्मा गर्म नाश्ता बनकर तैयार है, तो आप भी इस रेसिपी को एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।